चिंता मत कीजिए यीशु भैया, ताई जी बिल्कुल ठीक होगी। हाँ, आज शाम तक तो पूजन भी खत्म हो जाएगा। फिर कल सुबह तक चाचा चाची दोनों आ जाएंगे। तो आज रात को आप अकेले सोएंगे यीशु भैया? आपको डर तो नहीं लगेगा ना? माँ कहती है कि डर को खुद से बड़ा नहीं होने देना चाहिए। और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि आज रात को मैं सोऊंगा नहीं। माता पिता नहीं हैं तो तुमने रात जागा करने की ठान ली, इतना प्यार। लेकिन अफसोस, जब वे दोनों इस दुनिया को अलविदा कह रहे होंगे तो तुम उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उनके सामने नहीं रहोगे। रही बात आज के तुम्हारे रात जागे की, तो उसका इलाज भी है मेरे पास। ये क्या? घर के सारे काम अकेले कर रही हो? ना 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 ना, घर का एक खास बच्चा बिल्कुल खाली बैठा है, बुलाओ और आज उससे इतना काम कराओ कि उसे सोने के लिए बिस्तर की जरूरत भी ना पड़े, जहां बैठा हो वहीं लुढ़क के सो जाए। आज रात जब यीशु सोएगा तो फिर कभी नहीं जागेगा। बच्चों देखो, बहुत सारा काम पड़ा है करने को। मैं अकेले करूंगी तो कमर में दर्द हो जाएगा। क्या बच्चों तुम लोग मेरी मदद करोगे? जी चाची। बेटा यीशु, तुम आओ मेरे साथ। भैया बहुत थक गए राखू। हाँ, लेकिन यीशु मारिया चाची को कुछ नहीं बताएगा। हमें कुछ करना होगा जिससे यीशु को थोड़ा सा आराम मिल पाए। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, पहले खाना खा ले क्या, फिर बाकी का सारा काम कर लेंगे। अच्छा ठीक है बच्चा। आशिया खाओ। बेटा यीशु, ये क्या हो गया? गलती से तुम्हारा पूरा खाना गिर गया। कोई बात नहीं चाची, मैं खाना समेट देता हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं उपवास रखूंगा,
ताकि माँ और पिताजी सुरक्षित घर लौट आए। अब एक ही अनुष्ठान बाकी रह गया है, उसके बाद ये पूजा संपन्न हो जाएगी। आइए आप सब लोग भी मेरे साथ आज की इस आखिरी प्रार्थना में शामिल हो जाइए। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ सब लोगों के साथ रह सकें। हे प्रभु, हमने सच्ची श्रद्धा और पूरे विधि विधान के साथ इस पूजा को संपन्न किया। आपसे विनती है कि आप अपने आशीर्वाद से इनके और इनके गांव वालों के सभी कष्टों का निवारण करें। पूजा संपन्न हुई। हे ईश्वर, मेरे पत्नी और बच्चे को सुरक्षित रखना। मैरी, 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 मैरी। भाई, आप यहाँ? हाँ, मारिया भाभी और मैं, हम दोनों ने बहुत बुरा सपना देखा कि तुम्हें कुछ गुंडों ने घेर रखा है। तुम्हें अपनी आंखों से सुरक्षित देखकर मेरी जान में जान आ गई। आप दोनों का एक जैसा सपना देखना कोई मामूली बात नहीं लगती। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी अनहोनी का संकेत है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे यीशु पर कोई संकट मंडरा रहा हो? मैरी, ऐसा सपना देखा कि उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। आपको यीशु को छोड़कर ऐसे आना ही नहीं चाहिए था। हमें अभी यहां से निकलना होगा ताकि यीशु तक हम जल्द से जल्द पहुंच सके। हाँ, चलो चलो जल्दी। आशा, छोटू बड़े भैया, आज थक के जल्दी सोकर आज पूरी रात मैं माँ और पिताजी के लिए प्रार्थना करना चाहता था, पर मुझसे जगा नहीं जा रहा। मुझे भी बहुत नींद। आज इंसानों की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने की रात है यीशु। आओ, तुम्हें शैतान की दुनिया की सैर कराता हूं। स्वागत है यीशु, शैतान की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आज की रात पूरी तरह शैतान की रात है यीशु। ये जो तुम दुनिया देख रहे हो ना, ये शैतान का माया जाल है और यहां मेरी मर्जी के बिना इंसान तो क्या हवा का झोंका भी नहीं आ सकता। इसलिए भूल जाओ अपने भाई, बहन, दोस्त, पिता और खासकर अपनी मां को एकदम भूल जाओ। नहीं तो मुझे मेरी माँ से दूर नहीं कर सकते। मैं अपनी माँ के पास जरूर लौटूंगा। खुश हुआ। शैतान तुम्हारा यह आत्मविश्वास देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अभी भी तुम शैतान की शक्तियों को समझ नहीं पा रहे हो।
इसलिए अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हो। अच्छा है, एक काम करते हैं, तुम यहाँ आराम से बैठकर अपनी माँ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो और मैं तब तक तुम्हारी माँ से मिल के आता हूँ। भाई, कल रात हम लोग जिस सराय में रुके थे वहां से हमें गांव के लिए बैलगाड़ी मिल जाएगी और अभी निकले तो कल सुबह से पहले घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंचने की इतनी भी क्या जल्दी है यीशु के चाचा? रुको, तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है। जाओ, जाकर अपना काम करो। मारो, मारो। वो रहे, देखो, पकड़ो उन्हें, जल्दी से पकड़ो, मार दो, मारो। ये आवाज कहां से आ रही है? मैरी, ये तो वही लोग हैं, मैंने इन्हें कार्यशाला में सपने में देखा था। मैरी भागो, भागो, मारो! खत्म कर दो, यीशु के माता पिता को खत्म कर दो। परमपिता परमेश्वर, शैतान की इस डरावनी दुनिया से बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिए। जहाँ पे तुम हो यीशु, वहाँ से ईश्वर भी तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है, और वैसे भी ये तुम्हारे ईश्वर का घर नहीं है, ये शैतान की दुनिया है, जहां तर्क वितर्क का कोई अस्तित्व नहीं। यहां वही होता है जो मैं चाहता हूं। अब तुम क्या करोगे यीशु? किसको बुलाओगे अपनी मदद के लिए? हाँ। यीशु, तुम्हारी मां तो खुद खतरे में है। तुम ईश्वर के सामने समर्पण करने की बात करते हो ना, आज तुम्हें शैतान के सामने समर्पण करना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया यीशु, तो बस फिर माँ 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 कहते चिल्लाते रहोगे, पर होगा कुछ भी नहीं। रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। मैरी, मैरी चलो, चलो मैरी, मेरी वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे, मेरी भागो। यीशु को मेरी जरूरत है, उसने अभी अभी मुझे पुकारा है। क्या करोगे तुम अब? किसको बुलाओगे? किसको बुलाओगे? यीशु! माँ! कहाँ है आप? रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। जितना पुकारना है पुकार लो, जितनी प्रार्थना करनी है कर लो, लेकिन तुम्हारी माँ मदद करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि ये शैतान का माया जाल है। और एक बार अगर यहाँ कोई आ गया तो फिर यहाँ से दोबारा बचकर जा नहीं सकता। अब तुम्हें यही जीना है और यही मरना भी है। यीशु,
हे प्रभु, अपनी संतान की एक ऐसी परीक्षा ले रहे हैं आप। एक तरफ शैतान सारे नियमों को ताक पर रख के अपनी मनमानी किए जा रहा है बिना किसी की मदद के। यीशु इस खतरनाक माया जाल से कैसे निकल पाएगा प्रभु? रक्षा कीजिए माँ, माँ जल्दी से आ जाइए, मुझे इस माया जाल से बाहर निकालिए। बार बार अपनी माँ को पुकारना व्यर्थ है यीशु। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी मेरे माया जाल को भेद नहीं सकती, तो फिर तुम्हारी माँ क्या कर लेगी? और वैसे भी तुम्हारी माँ को मैंने इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है कि उसे खुद मदद की जरूरत है। कितनी लाचार, बेबस, बेचारी है ना तुम्हारी माँ। तुम जितना भी पुकार लो अपनी माँ को, पर तुम्हारी माँ तुम्हारी मदद करने नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी माँ जैसी साधारण स्त्री के बस में ये बात है ही नहीं। माँ कभी साधारण नहीं हो सकती शैतान, वो तो ईश्वर का रूप होती है। मेरी माँ बेबस, लाचार या साधारण स्त्री नहीं है, उनके पास वो ताकत है जो तुम्हारे पास कभी आ ही नहीं सकती शैतान। मैं उनका नाम एक बार नहीं हजार बार पुकारूंगा, क्योंकि उनका नाम लेने से मुझे शक्ति मिलती है। नहीं आएगी। माँ रक्षा कीजिए, माँ रक्षा कीजिए, माँ रक्षा कीजिए। यीशु, प्रभु की माता मैरी को मैं प्रणाम करता हूं। संसार की सभी नारियों में आप धन्य हैं, और धन्य है आपके गर्भ से जन्मा यीशु। मुझे अब समझ में आया कि आपने शैतान को पहले क्यों नहीं रोका। आप चाहती थी कि यीशु शैतान को इस बात का एहसास दिलाए कि दुनिया में मां की ममता से बड़ी ताकत और कोई नहीं हो सकती। हे स्वर्ग में विराजमान परम पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और मैं प्रणाम करता हूं माता मैरी की दिव्यता को। यीशु, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो बेटा। मैं यही हूं तुम्हारे पास, और मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। तुम यहाँ नहीं आ सकती। यहाँ उपस्थित तुम्हारा अस्तित्व ये सच नहीं है। मैं, मेरा अस्तित्व, मेरी उपस्थिति उतनी ही सच्ची है जितना यीशु के लिए मेरा प्यार और मेरे लिए यीशु का प्यार है। तुम भले ही बहुत ताकतवर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी ताकत माँ की ममता से बड़ी नहीं हो सकती,
क्योंकि माँ की ममता बहुत जिद्दी होती है। जब उसकी संतान पर बन आती है तो भले प्रलय क्यों ना आ जाए, माँ की ममता ना तो रुकती है और ना ही हार मानती है। आज तुम भी अपनी आंखों से माँ की ममता की ताकत देखोगे शैतान। जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने से तुम्हारे मायाजाल को भेद कर यीशु को सुरक्षित यहां से ले जाऊंगी।